हेलो एवरीवन, आई एम रिंकी जोश फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इस चैप्टर में पहले देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, उसके बाद हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर एप्लीकेशंस पढ़ेंगे उसकी और कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन प्लास्टिक्स एंड एनवायरमेंट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंथेटिक फाइबर्स कि सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या है। सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब क्या होता है? मैनमेड, जो कि हमारे द्वारा बनाया जाता है, जो कि नेचुरली ऑब्टेन नहीं करते। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो क्या है, द फाइबर्स बाय ह्यूमन बीइंग्स इन लेबोरेटरी बाय यूजिंग केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स और मैनमेड फाइबर्स। मतलब ऐसे फाइबर्स जो कि ह्यूमन बीइंग्स बनाते हैं, वो भी लैब में, ठीक है, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है इसे केमिकल्स यूज करके, ठीक है, उसको ही हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। अब देखो सिंथेटिक फाइबर्स, सबसे पहले ध्यान रखना, जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है वो हमेशा मेनली पॉलीमर्स होते हैं। अब देखो पॉलीमर्स और मोनोमर्स में मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। जैसे कि ये मेरा ब्रेसलेट है, ठीक है, ये ब्रेसलेट देखोगे आप, इसमें जो एक छोटे छोटे जो बीड्स हैं, इस बीड्स से मिलकर पूरा एक चेन बन गई है हमारी, ठीक है। तो ये जो पूरी चेन बन गई है, इस चीज को हम क्या कहेंगे, पॉलीमर। और जो ये सिंगल सिंगल एक एक बीड की अगर मैं बात करूँ, इस चीज को हम क्या कहेंगे, मोनोमर। तो इस चीज को ध्यान से देखो कि ये जो पूरा मिलके बना है, ये चीज हमारा क्या हो गया, पॉलीमर। और जो सिंगल सिंगल है हमारा, इस चीज को हम क्या कहेंगे, मोनोमर्स। तो मेनली ये मैंने इसलिए बताया आपको कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मेनली बनते कैसे है, रिपीटेड, मतलब मोनोमर्स को रिपीट करते हुए जो एक चेन बनती है वो जो पूरी बन जाती है, उस चीज को पॉलीमर्स कहते हैं। और सिंथेटिक फाइबर्स एक्चुअली में सारे क्या होते हैं, पॉलीमर्स ही होते हैं। अब देखो सिंथेटिक फाइबर्स के भी टाइप्स होते हैं, तो क्या क्या टाइप है, रेयॉन, नायलन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक, ठीक है। तो हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेयॉन के बारे में, ठीक है। रेयॉन जो होता है उसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, ठीक है, मतलब सिल्क बट आर्टिफिशियल तरीके उसका। तो ये जो है, ये हमारा प्रिपेयर कैसे होता है, फ्रॉम वुड पल, ठीक है। किससे प्रिपेयर होता है, वुड, मतलब ये जो हमारा सिंथेटिक फाइबर जो होता है, ये जो हम सिल्क लेते हैं, जो नेचुरली ऑब्टेन होता है हमें सिल्क, उस सिल्क में कुछ केमिकल्स मिला के उसको मैनमेड तरीके से, उसको आर्टिफिशियल, मतलब उसको जो सिल्क है उसको आर्टिफिशियल सिल्क बना देते हैं, ठीक है, उसमें कुछ केमिकल्स मिला के। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, रेयॉन, ठीक है। मतलब ये चीप सिल्क होता है हमारा, सस्ते में मिलता है। वैसे जो सिल्क होता है बहुत एक्सपेंसिव होता है हमारा, तो रेयॉन जो होता है उसमें हम कुछ ऐसे केमिकल्स मिलाते हैं ताकि वो चीप हो जाए, ठीक है। और ये जो इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, मतलब कहाँ कहाँ यूज होती है, ये हमारी कार्पेट में यूज करते हैं, क्लोथ्स, बेडशीट। तो यहाँ ये हमने रेयॉन के बारे में पढ़ा। बाकी जो है नायलन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लासेस।